स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो दोस्तों देख लेते हैं कि स्किन में हमारी कौन कौन सी लेयर होती है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जो लेयर होती है ये हमारी टॉप लेयर होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम प्रोटेक्शन का होता है। ये हमारी बॉडी को बाहर से आ रहे पैथोजन से या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, जो टॉप की लेयर होती है हमारी स्किन, जो जैसे आप मेरे हाथ देख सकते हो, तो हाथ के ऊपर जो ये ऊपर की जो लेयर है जो हमें दिख रही है यही हमारी एपिडर्मिस है। ठीक है, तो एपिडर्मिस किसकी बनी होती है, एपिडर्मिस बनी होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथीलियम की। ठीक है, एपिडर्मिस में ही हमारे प्रेजेंट होते हैं मेलेनोसाइट, केराटिनोसाइट और मर्कल सेल्स। ठीक है, मेलेनोसाइट ही हमारे एपिडर्मिस को कलर देने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मिडल लेयर है दूसरी, वो है डर्मिस। ठीक है, डर्मिस हमारी दो लेयर से मिलकर बनी होती है, पहली है पेपिलरी, दूसरी है रेटिकुलरिस। ठीक है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इस तरीके से स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, ये है पेपिलरी लेयर, ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स दिख रहे हैं ये हमारी रेटिकुलरिस लेयर है। ठीक है, अब डर्मिस क्या काम करती है, डर्मिस हमारे जो एपिडर्मिस होती है उसको सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है, डर्मिस लेयर एपिडर्मिस के नीचे होती है, इसको सपोर्ट देने का काम करती है एपिडर्मिस को ऊपर से। ठीक है, तो डर्मिस में ही हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स, ये चारों चीज़ इसमें ही प्रेजेंट होती है डर्मिस लेयर में। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड लेयर है वो है सबक्यूटेनियस। ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर ये जो बॉटम लेयर है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लास्ट की लेयर, ये सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर को ही हम ऑयली लेयर बोलते हैं। इसी ये ऑयली लेयर हमारी किसकी बनी होती है, ये बनी होती है हमारी एरियलर और एडिपोज टिश्यूज़ की। ठीक है, इसी ऑयली लेयर में अगर कोई इंजेक्शन हो, कोई ऑयली इंजेक्शन देना हो किसी को, तो वो हमेशा एडिपोज, वो हमेशा सबक्यूटेनियस लेयर में ही दिया जाता है। ठीक है, तो हमें ये तीनों लेयर याद रखनी है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस। ठीक है, इनके फंक्शंस मैंने नोट्स में भी बहुत अच्छे से लिख रखे हैं, आप नोट्स में से देख सकते हो।